नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश प्रशासन द्वारा गरीबों को सस्ती कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सोसाइटी राशन दुकान के माध्यम से गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज में बंदरवाट करने वालों की नजर पड़ चुकी है। ऐसा ही एक मामला गोटेगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बगासपुर सहकारी राशन दुकान का सामने आया है, जहां सेल्समैन की लापरवाही और तौल करने वाले तुलैया के कारस्तानी के चलते गरीबों को पूरा अनाज नहीं मिल पा रहा। गरीबों को दिए जाने वाले अनाज को कम तौल कर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से गुरेज नहीं। अब लिखित शिकायत खाद्य अधिकारी के पास पहुंच चुकी है। देखना यह है कि कब तक कार्रवाई हो पाती है। हम 40 के लिए राशन ले गए, वो में से 33 के लिए 20 ग्राम निकलो है। 7 किलो कम निकला। 7 किलो कम। किसकी लापरवाही है? जे आए गुरु की है अपनी, और जो ऑपरेटर बांट रहे उनकी है ज्यादा तक। अच्छा, तो क्या पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? अब तक अपन ने गौर नहीं करो तो घटना तो ऐसी होता ही रहती है। जब गौर करो अपन ने पहली बार, तो पहले ही बार कमी निकली। तो क्या कुछ रहा जो अपना यहाँ तुलैया रहता है जो, तो उसके मिस्टेक के कारण उसको कम चला गया। कितना कम गया? ये करीब अपना 2 किलो चला गया। वो बता रहे 2 किलो अनाज कम दिया। जी हाँ, क्या है तो वो? ये अनियमितता है, क्या कहेंगे आप? जी ये अब क्या करो, अब समस्याएं आ ही जाती प्रबंधन कभी कभी। अपन तो नहीं, ऐसी घटना इस सोसाइटी में पहले भी कई बार हो चुकी है। जी हाँ, जिनकी हमने भी खबर प्रकाशित की है। जी हाँ, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, इसको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसा ना हो। और अपना जो ग्राहक है उससे भी कहते हैं कि ध्यान रखे भैया, इस चीज़ का क्या चल रहा है अपने यहाँ, देख रहे। अब हम लोग तो काम करते ही रहते हैं। देवरी से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।